बार मिलते हैं आप लोगों से, कुछ अलग अलग रीजन रहता है, आज किस लिए मिल रहे हैं और क्या खास रीजन है आपके? हर बार आपने सीरियस की बातें सुनी होगी, साउथ मूवीज़ की बातें सुनी होगी, लेकिन आज एक गाने की बात सुनने वाले हैं मुझसे, और मेरे साथ है ईशान खान। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारा हम दोनों का पहला सॉन्ग जो आया है, पंजाबी है, काफ़ी मज़ा आएगा आप लोग सुन के, और काफ़ी अच्छा है डांसिंग सॉन्ग। अभिका जी तो है ही साथ में, तो बहुत फन गाना है, एंड पीपल ऑलरेडी नो दैट आई लव पंजाबी सॉन्ग्स। मुझे पंजाबी गाने बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं सिर्फ वही सुनती हूँ। तो जैसे ये वाला सुना था मैंने, ये बहुत ही पेपी नंबर है, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, और वीडियो में हम तो हैं ही ऑफकोर्स, लेकिन जो स्पेशल चीज़ है वो है हमारा डॉगी, बहुत ही अडोरेबल है डॉग्स, डॉग, और हम सबको डॉग्स बहुत पसंद होते हैं, तो ये वीडियो देखने में बहुत मज़ा आएगा। ये मैं थोड़ा सोच के बताती हूँ, तब तक आप बताओ। मुझे तो म्यूज़िक इज़ जस्ट लाइक इमोशंस ना, म्यूज़िक जैसा भी हो अगर सैड है तो हम उससे रिलेट करते हैं, तो म्यूज़िक जैसा भी है, अभी जैसे डांसिंग है तो हमारे जैसा म्यूज़िक सुनेंगे तो हमारे अंदर भी वैसा ही कुछ आता है कि हाँ ये डांस म्यूज़िक है तो हम चलो डांस करते हैं, सैड म्यूज़िक है तो चलो थोड़ा सा किसी को याद करते हैं, तो वैसा ही है। बट फर्स्ट तो मेरे मन में डांस ही आता है, इनके मन में भी डांस ही आता है। मेरी लाइफ ना, मेरे को ये मेरे किसी फ्रेंड ने एक्नॉलेज कराई थी बात, कि मेरी लाइफ में हमेशा म्यूज़िक चलता रहता है, मैं गाड़ी में हूँ, मेकअप करवा रही हूँ, कुछ भी होता है म्यूज़िक चल रहा होता है, और जब नहीं होता है आई फील वेरी इनकम्प्लीट। और आज भी ऐसा ही कुछ हुआ, जब मैं तैयार हो रही थी म्यूज़िक नहीं था और मुझे बहुत अधूरा फील हो रहा था, तो वो जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। This is fun. Obviously, shooting a daily soap बहुत बहुत अलग चीज़ है, ये मैं compare बिल्कुल नहीं कर सकती, the time required here is different. So the kind of treatment that is given to the actor is different, as in आपको एक character मिलता है, इसमें तो सिर्फ मैं ऐसे ऐसे करके चल रही थी वही character बन गया था, so it's very easy, it's very simple and I had a lot of fun. काफ़ी कुछ बोलना, अच्छे अच्छे काफ़ी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला हमें, क्योंकि अभी ये मेरा फर्स्ट है, सो काफ़ी कुछ नया था, सब कुछ नया था, बहुत ही मज़ा आया। और अच्छी बात ये थी कि वन टेक जो है वो डॉगी ज़्यादा दे रहा था वहाँ पे शॉट, मेरी तारीफ करने को बोला है, बट मेन तो डॉगी है ना अभी फ़िलहाल, तो अभी कैसा वो वन टेक दे रहा था, ये तो है इम्प्रो, तो जो भी था मेरे ऊपर था जिम्मेदारी थी सारी, तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, टेंशन भी हो रहा था, स्ट्रेस भी था, फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। But he did a good job, I must say. He did a fab job. Just because of you. Yeah. लोकेशंस तो बहुत ही प्रिटी है, मतलब आप घूम के भी आएंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा, और हम तो जब जब हमें थोड़ा सा वक्त मिल रहा था तो हम वो जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे, घूम रहे थे, कुछ शॉपिंग करने चले गए थे, जब तक इनका शॉट रहता था तो मैं शॉपिंग करने चले जाता था, मेरा शॉट रहता था तो ये घूम रहे थे ऐसा। आई थिंक ये जो एक्साइटमेंट है म्यूजिक वीडियोस को लेकर, और स्पेशली टीवी फेसेस कमिंग इन म्यूजिक वीडियोस, ये एक्साइटमेंट आई होप ऐसी ही चलती रहे, बिकॉज आई लव म्यूज़िक वीडियोज़, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ देम, एंड हाँ मुझे भी म्यूज़िक वीडियोज़ देखना बहुत पसंद है, एंड एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस, मुझे अगर कोई नोन फेस है जैसे मैं टीवी पे देखती हूँ, अगर मुझे उससे देखने का मौका मिलता है एक म्यूज़िक वीडियो में तो वाई नॉट, एंड देन इट्स नॉट जस्ट टीवी एक्टर्स, देर आर सो मेनी बॉलीवुड एक्टर्स वॉन्टिंग टू बी अ पार्ट ऑफ म्यूज़िक वीडियोज, सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आपको ये डॉगी गाना पसंद आया हो तो हमें, मुझे और ईशान को ढेर सारा प्यार दीजिए, बिकॉज हमें ये शूट करते हुए तो बहुत मज़ा आया, आई होप आपको देखने में भी उतना ही मज़ा आया हो। मैं यही कहूँगा काफ़ी मेहनत करी है, आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी लोगों की लाइफ से भी रिलेट करेगा ये सॉन्ग, कि वो जिस लड़की को चाहते हैं उनका डॉगी उनको ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहा है
तो बस यही है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों के साथ, बढ़िया डांस कीजिए, हाँ डांस डांस वीडियोस कीजिए। और आजकल टिकटॉक भी बहुत चल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि इस पर मुझे कई सारे टिकटॉकर्स से उम्मीद है कि इस पर मुझे देखने को मिलेगा।